नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यासो पे। यासो इंडस्ट्रीज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1275 रुपये का अभी ये रेट चल रहा है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो लगभग इसका जो बाउंड बिक हाई है 1484 रुपये का बाउंड बिक हाई है। देखिए, इतना गिरावट के बावजूद भी, आप ध्यान से सुनिए, इतना गिरावट के बावजूद भी इस स्टॉक की जो वन ईयर की रिटर्न है वो 826% का रिटर्न है। कितना? 826% का, इतना गिरावट के बावजूद भी। और यहाँ पे अगर हम वन मंथ की बात कर लें, केवल एक महीने की, तो लगभग 70% का पॉजिटिव रिटर्न है। देखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, केमिकल सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनी है, केमिकल बनाने वाली कंपनी है। अगर हम बाउंड बिग लो की बात कर लें तो 131 रुपये का बाउंड बिग लो है। देखिए, ये लगभग 1390 करोड़ के लगभग ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। लगभग 18K शेयर होल्डर्स हैं इसके, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस स्टॉक की सपोर्ट लेवल की बात करें तो देखिए, इस स्टॉक ने तो बहुत ही ज़बरदस्त हाई बनाया है, लेकिन सपोर्ट लेवल इसका क्या रहेगा वो मैं आपको एक बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने वन डे का चार्ट लगाया, आप ध्यान से देखिए, ये वन डे का चार्ट है, मतलब एक दिन का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। देखिए, इस स्टॉक को गिरावट नहीं बोलेंगे, ये करेक्शन बोलेंगे। तो लगभग मेरे को लगता है ये 800 रुपये के आसपास ये सपोर्ट का लेवल ले सकता है। अगर यहाँ पे आता है 800 रुपये के आसपास तो आप ज़रूर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, ज़रूर से ज़रूर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, मौका कभी भी छोड़ने का नहीं। अगर ये 800 रुपये के आसपास आता है तो ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं सपोर्ट लेता है, 800 रुपये के आसपास अगर ये आता है तो आपको इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, आपको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में लगाना चाहिए ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक को, और आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ही इस इस लेवल पर अगर आता है तो आपको ज़रूर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाता हूँ, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ तो ये स्टॉक देखिए कितनी ज़बरदस्त रॉकेट बना है। लगभग 100 रुपये का लेवल था। कब 100 रुपये का लेवल था वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग था 97 का। कब? 2020 में, मार्च 2020 में 94 का यहाँ पे लगभग 74 का लो बनाया है मार्च 2020 में। और वहाँ से ये स्टॉक अभी कितना साल हुआ, मतलब लगभग 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल में लगभग 1200% से ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है, 1200% से ज़्यादा का। तो एक बहुत ही अच्छा ये स्टॉक है। आपको अगर लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट ज़रूर करें, और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो भी इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके एक मोटी रकम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।